आज मैं लाई हूँ एक बढ़िया सी आइसक्रीम की रेसिपी जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो और ये ना एकदम मस्त बनती है जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इसको ट्राई जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके या मैंने लिए चार बड़े चम्मच चीनी का चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो मैं यहाँ पे ना थोड़ी कम मीठी बना रही हूँ मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा मीठी नहीं पसंद है इसलिए मैं घर पे बनाती हूँ कम मीठी तो शक्कर को मैं कैरमलाइज़ करना है धीमी आंच पे आप जब तक शक्कर जो है मेल्ट नहीं हो जाती है अच्छी तरह से और उसके बाद आप तुरंत डाल दीजिएगा इसमें एक कप दूध का जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए दूध डाल दीजिएगा आँच को धीमे ही रखिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दूध जो है चीनी में बहुत अच्छे से घुल जाए तो आपको पहले ऐसे लगेगा कि ये तो एकदम जम गया है ये कैसे मिक्स होगा लेकिन धीरे धीरे आप जब मिक्स कर जाओगे ना तो ये धीरे धीरे पूरा अच्छे से घुल जाएगा दूध के साथ और दूध का कलर जो है ना बहुत ही प्यारा सा निखर के आएगा कुछ इस तरह से तो एक अच्छे से उबाल आ जाए इसमें तो इसको मैं चलाते जा रही हूँ ताकि चीनी जो जम गई थी ना वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए उसके बाद आपको लेना है दो चम्मच कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर में आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा दूध लगभग दो बड़े चम्मच जितना ताकि हम एक स्लरी इसकी बना सकें एक पेस्ट सी आप बना लें इसकी जिसमें गुठली बिल्कुल भी ना हो और इस पेस्ट को इस दूध में डाल दें ये से उबल रहा है आज धीमे पे ही है इसको अच्छे से पूरा डाल दें थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि लम्स ना पड़े बिल्कुल भी धीरे धीरे डालें और मिक्स करते जाए और तुरंत ये जो दूध है ना आपको वो एकदम लगेगा जैसे हलवा बन गया है बिल्कुल हलवे जैसे ही फील होगा आपको और इस स्टेज पे आप गैस को कर दीजिएगा बंद और इसको ना एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि फटाफट से जो ये हलवे ही तरह हमने बनाया ना ये फटाफट से ठंडा हो जाए तो बोल में मैंने निकाल लिया चलिए आगे की तैयारी करते हैं या मैंने उठाई है अमूल क्रीम तो ये लगभग ढाई सौ के दो पाउच में उठा रही हूँ और इसको खोल लें और आइसक्रीम बनाने के लिए ये वाली अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है ना इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इसको निकाल लेते बोल में क्रीम अच्छी खासी ठंडी होनी चाहिए तभी आप अच्छे से उसको बीट कर पाओगे एकदम मेल्टेड ना हो मतलब बाहर में रखी हुई ना हो और फ्रिज में के ठंडी हो जाए उसके बाद इसका, इसका इस्तेमाल करें और इसको चलिए बीट कर लेते तो तीन से चार मिनट आप इसको बीट कर लें बीट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स तो मैं बादाम और पिस्ता पीस कर डालने वाली हूँ तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप डाल दीजिएगा ये देखिए थोड़ा दर सा पीस लिया मैंने और ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल दूंगी मैं और साथ ही जो हमने ये हलवा बना के रखा था ना ये भी इसमें मिक्स कर देंगे तो आइसक्रीम जो है ना ये बहुत ही प्यारी बनती है आप इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा मैंने मिठास थोड़ी कम रखी है आप अपने हिसाब से मतलब मैंने चार बड़े चम्मच चीनी ली थी आप आठ भी चम्मच ले सकते हो अपने हिसाब से मीठापन आप देख लीजिएगा बीट करने के बाद आपको लगे थोड़ा चख लीजिएगा फीका फीका लगे तो आप पीसी हुई चीनी भी इसमें मिला सकते हो इसमें थोड़ा केसर डाल दीजिए इससे कलर जो है ना और भी मस्त आएगा और साथ में इलायची पाउडर डाल देंगे लगभग आधे चम्मच जितना इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा तो ये राजभोग आइसक्रीम मैं बना रही हूँ बाहर तो महंगी मिलती है घर पर बहुत ही सस्ते में बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है आप इसको ट्राई जरूर से कीजिए घर में सबको बहुत पसंद आएगी तो आइसक्रीम का मिक्सचर जो है हमारा बन के बिल्कुल तैयार है आप कलर देख पा रहे होंगे ये नेचुरल जो कलर आया है इसका जो हमने चीनी कैरमलाइज की थी उससे कलर बहुत ही प्यारा आया है इसका चलिए इसको एयर टाइट डब्बे में डाल देंगे और रख देंगे इसको फ्रीज़र में बढ़िया से ढक्कन लगा के एयर टाइट डब्बे का ढक्कन लगा के और इसको दस से बारह घंटे के लिए आप छोड़ दें बढ़िया से सेट होने दें और ये मैं आपको दिखा रही है बढ़िया से सेट हो चुकी है आइसक्रीम हमारी जम गई है आम... मैंने एक्चुअली रात में बनाई थी और सुबह फिर मैं इसको डिमोल्ड करके दिखा रही थी कितनी मस्त लग रही मतलब 10 से 12 घंटे में बहुत ही अच्छे से जम गई है और ये देखिए कितनी मस्त क्रीमी सी आइसक्रीम हमारी ये बनी और खाने में भी ये बहुत बढ़िया लगती है तो कैसे लगी आज की ये रेसिपी आपको केसर का कलर आप देख पा रहे होंगे कैसे आया है बहुत ही प्यारा सा आया है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा और ये आइसक्रीम आपने कभी बनाई है कि नहीं ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके ये आइसक्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके आप कौन सी रेसिपी बनाते हो घर पे कौन सी आइसक्रीम बनाते हो ये भी बताइएगा मुझे तो ये यमी लगी है कि नहीं कमेंट में यमी ज़रूर से टाइप कीजिएगा मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और घर में ना सबको भी बहुत पसंद आई एकदम यमी यमी सी टेस्टी सी ठंडी ठंडी आइसक्रीम ज़रूर बनाए इसे थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री गणेश वाई गुरु